आज की इस वीडियो का टॉपिक है 0.5 वाट एलईडी बल्ब में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा के स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। ये 0.5 वाट एलईडी बल्ब है जो आप इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 0.5 वाट। और इसे हम 0 वाट एलईडी बल्ब भी बोलते हैं और नाइट लैम्प भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं इसका हमें पता होने से हम इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो इसे खोलने के लिए बहुत ही सिंपल है, हमें प्लायर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे प्लायर को नॉर्मली इस प्रकार से इसके ऊपर रखना है और इसको इस प्रकार से प्लायर को इस हाथ जो हमारा राइट हैंड है इसको ऊपर की तरफ ऐसे की करना है। हम जैसे राइट हैंड को ऊपर की तरफ करेंगे तो यह हमारा बल्ब यहाँ से खुल जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलईडी बल्ब को खोल सकते हैं। और इसके अंदर को क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 5 LED लगी हुई है इसके अंदर। और ये हमारा SMD ब्रिज रेक्टिफायर है इसमें, और ये 2 इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है। और इसे बाहर निकालने के लिए इसके पीछे 2 रैपिड लगे हुए हैं, तो इनको इजीली बाहर ऊपर की तरफ इनको करना है। तो हम जैसे इसको ऊपर की तरफ इसको धक्का देंगे इसको ड्राइवर की मदद से, तो यह बहुत जल्दी खुल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों रैपिड को मैंने खोल दिया है और इसमें वायर को आप इस तरीके सीधा कर दीजिए ताकि हम इसको सर्किट को बाहर निकाल सकें। तो इसका सर्किट इजीली यहाँ पे बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक PF लगा है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा है। यहाँ पे इसमें सेफ्टी के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, फ्यूजेबल फ्यूजेबल रेजिस्टेंस इसमें लगा होना चाहिए, तो इसमें फ्यूजेबल रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है। तो यही कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पे इसमें अधिकतर जो खराब होता है या तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर खराब होगा तो हमारा LED बल्ब इसमें ब्लिंकिंग करेगा। और यहाँ पे PF है, PF खराब होने से हमारा LED बल्ब यहाँ पे काम नहीं करेगा, या फिर हमारी इसमें LED खराब होंगी तो इनको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। और ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे ये खराब होने से हम नॉर्मल जो डायोड का जो ब्रिज बना के वो भी इसमें लगा सकते हैं। और आपको ये दिखाई देगा, ये भी हमारा 0 वाट का LED बल्ब है, 0.5 वाट का। डिफ्यूजर जैसे इसमें लगा हुआ है सेम डिफ्यूजर है, इसमें डिजाइन में सिर्फ डिफरेंट है कि यहाँ पे सोल्डरिंग की हुई है और इसमें रैपिड वाला 2 स्क्रू लगे हुए थे। तो हम इस प्रकार आसानी से हम 0.5 वाट के LED बल्ब को हम रिपेयर कर सकते हैं। जब फर्स्ट में हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे इसमें यह टाइट रहता है तो खोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर आसानी से खुल जाता है ये। मैं यहाँ पे आपको यह बल्ब एक बार ग्लो करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे सप्लाई दूंगा तो आप देखिए कि हमारा जो बल्ब है यह ग्लो कर रहा है। तो हम इस प्रकार से आसानी से बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम आने से। तो जैसे हम इसको खोले थे वैसे ही इसको फिट कर देना अंदर। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद है, लाइक कीजिए। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।